हमारी समिति जय शिव सेवा समिति ने गरुड़ महापुराण यज्ञ का आयोजन किया है। गरुड़ महापुराण के बारे में लोगों का अंधविश्वास है, गलत धारणा है कि इसको मरने के बाद सुनना चाहिए, जबकि गरुड़ महापुराण में लिखा हुआ है कि इसको जीते जी ही सुनना चाहिए और इसमें पूरा विज्ञान है। गरुड़ महापुराण में कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसका मंत्रों द्वारा या जड़ी बूटियों द्वारा इलाज ना होता हो, लेकिन लोगों ने इसको समझा नहीं। हम लोगों में अंधविश्वास दूर करना चाहते हैं, इसलिए गरुड़ महापुराण यज्ञ का आयोजन किया है हमारी समिति ने, और आज इसका पहला दिन है। ये 7 दिन चलेगा, 30 तारीख की अमावस है, उस दिन हम पितृतर्पण का भी यहाँ प्रोग्राम रखा हुआ है। अपना गया जी से पुरोहित आएंगे, वो यहाँ पितृतर्पण करवाएंगे और उसके बाद विशाल भंडारा होगा। आज इस गरुड़ महापुराण और महायज्ञ के उपलक्ष्य में आप सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमारे
तेलीवाड़ा में मेरे ख्याल से पहली बार गरुड़ महापुराण महायज्ञ कथा हो रही है। इससे पहले 10 वर्ष पूर्व यह कथा कराई गई थी और वो कराई गई थी दुर्गा मंदिर। दुर्गा मंदिर के बाद 10 वर्षों के पश्चात स्वामी डॉक्टर श्री उमानंद जी की प्रेरणा और श्री देवराज जी की प्रेरणा से यह कथा दोबारा इस तेलीवाड़ा में हो रही है। सबसे पहले मैं श्री देवराज जी मेहता जी से प्रार्थना करूंगा कि वो आए और श्री गरुड़ प्राण जी पर माल्य अर्पण कर इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। श्री देवराज जी मेहता, और आप सबसे प्रार्थना है कि हर क्षण हर घड़ी तालियों से हर चीज का उत्सव मनाते रहें। मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि, जय हो। श्री विष्णु भगवान की जय। कि आज के हमारे जो मुख्य अतिथि हैं, पहले मैं आप सब आज हमारे इस कार्यक्रम के जो कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं श्री अरविंद लाठ जी, वो हमारे बीच पधारे हुए हैं और मैं चाहूँगा कि आप सब जोर से स्वागत करें। और सबसे पहले मैं चाहूँगा कि हमारे पंडित जी माला से श्री अरविंद लाड जी का स्वागत करें। नहीं नहीं, सबसे पहले आप, आपका स्वागत, आपका स्वागत श्री पंडित जी से अवश्य अवश्य होगा। हाँ जी, बनाओ पंडित जी, बना के हाथ लगा लियो। हाँ जी, शैक्षणिक संस्थाओं में अहम विशेष योगदान जी हमारे बीच आए हुए हैं श्री विपुल अग्रवाल जी, फिर प्रमुख समाज सेवी हैं। हाँ, स्वागत 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 श्री विपुल अग्रवाल जी, सुरेश जी, सुरेश जी, हाँ हाँ श्री सुरेश भद्वाल जी, प्रेम सहित गति धरो विराज पवन विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगत्पिताय नागाननाय सुतियच विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। कर्पूर गौर संसार सारं कुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिर्विध्यानगम्यं वंदे विष्णो भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं शरणागत
दीनाथ परित्राण परायणे निशेष तन संहार रमाया प्रीति भाजनम लाल देह लाली लस हर धर लाल लगूर वज्र देह दान बदलन जय 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 कपि सुर प्रेम श्री बोलिए श्रीमन्नारायण भगवान की जय श्री गरुड़ भगवान की जय श्री वेद व्यास भगवान हर